हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू एल के अकेडमी आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल द प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर्स इन केस ऑफ एनी डाउट ऑलवेज रीच आउट टू अस एंड वी विल हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स बट प्लीज बी थोरो वैन यू रीड योर नोट्स और वैन यू मेक योर नोट्स वाईल वॉचिंग लेक्चर्स तो इसी के साथ आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज अगेन रिलेटेड टू डिफेंस एक्टिविटी ज्वाइंट एक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्री विच इज़ थाईलैंड सो रिसेंटली कॉरपेट विच इज इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का ज्वाइंट uh, सेशन हुआ तो हमें उसके बारे में बात करनी है Uh, which is the 32nd edition in total. So, recently, the 32nd edition of the India Thailand coordinated patrol, which is known as Indo Thai Corpet, between the Indian Navy and the Royal Thai Navy was conducted. Naval exercise kya hai? So, India and Thailand have been carrying out Corpet along their international maritime boundary line twice a year since 2000. And फाइव तो देखिए हर साल में दो बार ट्वाइस अ ईयर हर साल में दो बार ये मेरी टाइम एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड अपनी अपनी आ, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उसके साथ साथ में मिलकर करते हैं इंडियन नेवल शिप आई एन एस एंड इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट एंड हिज मजेस्टिस थाईलैंड शिप त्यानचॉन केमोरसिन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट अलॉन्ग विथ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्राम बोथ नेविज पार्टिसिपेटेड इन द कॉरपोरेट तो देखिए थाईलैंड से जिसने पार्टिसिपेट किया था जिस वेसल ने या जिस शिप ने उसका नाम दिया गया है और इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप आई एन एस कर्मुख ने पार्टिसिपेट किया था बेसिक एम इस एक्सरसाइज का क्या होता है सो द एक्सरसाइज इज एम्ड टूवर्ड्ज रेनफोर्सिंग मैरिटाइम लिंक्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड विथ एन एम ऑफ कीपिंग दिस वाइटल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन सेफ एंड सिक्योर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड तो देखिए थाईलैंड भी इंडिया का एक क्लोज अलाई माना जाता है पिछले कुछ सालों से तो अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपना पोजिशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी जहाँ पे हम म्यांमार थाईलैंड कम्बोडिया जैसे जो आसियान के कंट्रीज़ है वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है हमारा ट्रेड है हमारा कनेक्टिविटी है ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बढ़ा रहे हैं it facilitates institution of measures to prevent and suppress unlawful activities like illegal unreported uh, unregulated fishing drug trafficking maritime terrorism armed robbery and piracy it further helps enhance the operational synergy by exchange of information for prevention of smuggling illegal immigration and for conduct of search and uh, rescue operations at sea तो ये जो बेसिक एम है वो दोनों नेवल शिप ने यहाँ पे फुलफिल किया इन लाइन विद इंडियाज सागर विजन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में स्पेसिफिकली इंडियन ओशन अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना चाह रहा है वाई टू काउंटर चाइना एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडियाज विज़न ऑफ सागर विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर एब्रीविएशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजियन द इंडियन नेवी हैज़ बिन प्रोएक्टिवली एंगेजिंग विद द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजियन टवर्ड्स एनहानसिंग रीजनल मेरी टाइम सिक्योरिटी दिस हैज़ बीन थ्रू बाईलेट्रल एंड मल्टीलेट्रल एक्सरसाइजिस कोडिनेटेड पेट्रोल्स जॉइंट ई जेड मीनिंग एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन सर्वेलेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस तो जबी भी कोई ऐसा कोई मुश्किल आ गया या डिज़ास्टर uh, आ गया तब दोनों कंट्रीज एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे इंडिया इज ऑलवेज अहेड इन हेल्पिंग अदर कंट्रीज जो कि आसपास के जो भी स्मॉल कंट्रीज है स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ इंडियन ओशन इंडिया इज़ नाउ स्टार्टेड द सागर विजन देयर अदर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड कौन सी है सो इट इज़ एक्सरसाइज मैत्री विच इज़ एन आर्मी एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज सियाम भारत विच इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज अंडरस्टूड और निवी के एक्सरसाइज के बारे में हमने ऑलरेडी बात की विच इज नोन एज इंडो थारपोरेट एक्सरसाइज सो यू नीड टू की नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी तो अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने आर बी आई की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात किया था विच गवर्नमेंट इज सेलिंग थ्रू आर बी आई नाउ आर बी आई ने लॉन्च की है इंटीग्रेटेड ऑम्ड्समैन स्कीम सो क्या है ये आर बी आई इंटीग्रेटेड ऑम्बडमैन स्कीम सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड ऑमड्समैन स्कीम इन ट्वेंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए ओम्बडमैन का मतलब क्या है लोकपाल ओके okay, जो लोकपाल का बिल है उसको लो uh, बिल कहा जाता है इन 2019 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस इन द ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज तो हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक के मुकाबले कैसा काम करती है क्या काम करती है उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए ट्वेंटी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया बनाया जहां पर कस्टमर की क्या क्या कंप्लेन है उसको जाना जा सके द दी एम ऑल्सो लॉन्च दरबीआई रिटेल डिरेक्ट स्कीम विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर ओम्बन क्या होता है सो अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हु डील्स कंप्लेंट्स ड बाई ऑर्डिनरी पीपल अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशम्बर्समैन जिसको हिंदी में आप कहोगे लोकपाल ऑफ ऑम्बड फ्रॉम स्वीडन इट मीन एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाई द्लेचर टू हैंडलेंट्स अगेंस्ट सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी इन इंडिया एन ओम्बस इन द फॉलोइंग सेक्टर्स इनश्योरेंस ऑम्बर्समैन इनकम टैक्स ऑमबर्टमैन एंड बैंकिंग ऑम्बडजमैन ओके तो आप जब भी कोई बैंक में जाओगे तो वहाँ पे एक आ, रिड्रेसल ग्रीवियंसिस और ग्रीवियंसिस रिड्रेसल का एक ऑफिसर बैठा होगा जो सिर्फ आपकी कंप्लेन सुनेगा इवन इन यू विजिट एनी काइंड ऑफ यू नो प्राइवेट फॉर्म और आप किसी भी बैंक में जाओगे तो आपको एक कस्टमर केयर नंबर दिया जाएगा जहाँ पर सीधी सीधी आपकी कंप्लेन सुनी जाएगी तो आर ने अपने लिए भी कुछ इसी तरह की जो आ, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे स्केड्यूल किया है क्या है ये सोई इट एमाले मेट्स थ्री ओम्बर्जमेंट स्कीम्स ऑफ आर बी आई बैंकिंग ऑम्बर्जमेंट स्कीम्स फ्राम टू थाउजेंड एंड सिक्स अम्बर्डमेंट स्कीम फॉर एन बी एफ सीज ऑफ टू थाउजेंड एंड एटीन एंड ऑम्बर्जमेंट स्कीम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ ट्वेंटी द यूनिफाइड ऑम्बर्जमेंट स्कीम विल प्रोवाइड रिड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेन इन्वॉल्विंग डिफिशियंसी इन सर्विसेज

तो अंदर अंदर जवाब देना पड़ेगा और एक सैटिस्फेक्टरी सोल्यूशन कस्टमर को सैटिस्फेक्टरी लग रहा है वो सोल्यूशन ढूंढ के देना पड़ेगा इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन स्केड प्राइमरी कोर एंड अब द इंटीग्रेटेड स्कीम इट अ वन नेशन वन ऑम्बर्मैन अप्रोच एंड ज्यूरीडिक्शन न्यूट्रल तो गवर्नमेंट क्या चाहती है हमें ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे देश में एक समान आ, कानून पारित हो हर स्टेट में जाओ देर शुडेंट बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ कानून देर शुडेंट बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज वेर एवर पॉसिबल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ स्टैंडर्ड यूनिक लॉ विच इज अप्लीकेबल इन अ सेम मैनर अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द स्टेट्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट Lines and this is uh, again in a banking sector, government is trying that we should have one nation and one ombudsman. Need kya thi? So, the first ombudsman scheme was rolled out in the 1990s. The system was always viewed as an issue by consumers. On the primary concerns was the lack of maintainable grounds on which the consumer could challenge the actions of a regulated entity. एट द ओ ओम्बर्डमैन और अ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेट ऑन टेक्निकल ग्राउंड रिजल्टिंग इन प्रेफरेंस फॉर द कंज्यूमर कोर्ट नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सटेंडेड टाइम लाइन फॉर रिड्रेसल तो देखिए अब तक क्या होता था ओम्बड्जमैन बड़ी चालाकी से काम करता था और वो तीस दिन वाला जो सिनारी था वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता था क्यों वो कुछ भी करके अगड़म बगड़म रीज़न देख के वो कंप्लेन को रफा दफा कर देता था विच still now happening in many of the field uh, many of the specifically government fields okay the move to integrate the systems meaning banking non-banking financial uh, companies and digital payments and expand the grounds for complaints is expected to see a positive response from consumers so Joby normal uh, insan hai, normal citizen hai, who is using uh, the these services. वो आसानी से अपनी कंप्लेंट्स को वॉइस uh, कर पाएगा और उसकी कंप्लेंट का उसको सेटिसफेक्ट्री रिजल्ट मिलने के जो चांसेस है वो भी अब क्या हो गए हैं बढ़ गए हैं इस पूरी स्कीम के uh, जो सेलियंट फीचर्स है वो क्या है सो द स्कीम डिफाइंस अ डेफिशियंसी इन सर्विस एज द ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट विथ अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ़ एक्सक्लूजन्स तो अगर आपको लगता है कि देर इज अ डेफिशियंसी इन द सर्विस यू कैन गो टू एन नम्बर्ज एंड ओम्बर्डमैन हैज टू लॉज कंप्लेन और उसके ऊपर आपको अप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगा अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन दिया जाएगा देर फॉर द कंप्लेन वुड नो लॉन्गर बी रिजेक्टेड सिंपली ऑन अकाउंट ऑफ नॉट कवर्ड अंडर द ग्राउंड लिस्टेड इन द स्कीम तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था स्कीम तो बनाई बट बड़ी चालाकी से काफी सारी सर्विसेज को उससे बाहर कर दिया तो कोई मतलब नहीं रहा राइट right? अब काफी सारी सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया गया है और सिंपली आप ये बोलकर uh, किसी भी कंप्लेन को रिजेक्ट नहीं कर पाओगे जिसको अम्बरजमैन बनाया जाएगा कि भाई ये तो स्कीम में इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है सो गवर्नमेंट और द पर्टिकुलर एजेंसी विल नॉट लुक इन टू इट नो दे हैव टू एक्सेप्ट द कंप्लेन दे हैव टू वर्क ऑन इट एंड हैव टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन टू द कस्टमर द स्कीम इज जूरिडिक्शन न्यूट्रल एंड अ सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन चंडीगढ़ फॉर इनिशियल हैंडलिंग ऑफ कंप्लेन इन एनी लैंग्वेज तो किसी भी लैंग्वेज में अगर कंप्लेन जाती है चंडीगढ़ के थ्रू उसको सेंट्रल लेवल पे मैनेज uh, किया जाएगा उसका जो एजेंसी uh, है वो चंडीगढ़ में सेटअप किया गया है आर बी आई हैड क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सो दैट बैंक्स एंड Investigating agencies could coordinate in a better way in the fastest time possible. The bank customers will be able to file complaints, submit documents, uh, track statuses, and give feedback through a single email address. There will also be a multilingual toll free number that will provide all relevant information on grievance redressal. The regulated entity will not have any right. to appeal in cases where an award is issued by the ombudsman against it for not furnishing satisfactory and timely information to तो ये जो जैसे आप कोई प्राइवेट बैंक में आप जा रहे हो और वहाँ पे जिस तरह से कस्टमर की कंप्लेन को सेवन वर्किंग डेज या फोर्टीन कम वर्किंग डेज में टाइम बाउंड मैनर में रिजोल्व किया जाता है जो कि अब तक हमने गवर्मेंट ऑफिसिस में नहीं देखा था अब हमें गवर्नमेंट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये स्कीम हमें देखने को मिलेगी विच इज़ अ वे टू अ पॉजिटिव स्टेप फॉर अवर काइंड ऑफ मार्केट अवर काइंड ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ओके गवर्नमेंट इज हियर टू लिसन टू यू यू प्लीज स्टार्ट यूजिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एज मोर एज पॉसिबल ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी आर बी आई जोबर्डमैन स्कीम अपेलेट ऑथोरिटी यहाँ पे कौन सी होगी सो आर बी आई इज एग्जीक्यूटिव डिरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वुड बी दी अपेलेट ऑथोरिटी अंडर द इंटीग्रेटेड स्कीम ओके सो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दै डिरेक्टर एग्जीक्यूटिव डिरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सिग्निफिकेंस क्या होगा दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द ग्रीवियंसिस रिड्रेस मेकेनिज्म फॉर रिजोल्विंग कस्टमर कंप्लेन्ट्स अगेंस्ट आर बी आई इज रेगुलेटेड एंटिटीज It is expected to ensure uniformity and streamlined user friendly mechanisms, which will add value to the scheme and bring customer delight and financial inclusion. 44 crore loan accounts holders and 220 crore deposit account holders would directly benefit from the single ombudsman. They would now be able to lodge a complaint and track their complaints on the same platform. मतलब ये सारी चीज़ों को भी क्या कर दिया गया है ऑनलाइन कर दिया गया है बेसिकली कंज्यूमर फ्रेंडली बना दिया गया है ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा ये सर्विसेज़ को सीमलेसली uh, यूज़ कर पाए सो गवर्नमेंट भी एक प्राइवेट एंटिटी की तरह बिहेव uh, करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है विच इज़ अ गुड थिंग जो पॉजिटिव चेंज है वो यहाँ पर आता हुआ हमें दिख रहा है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ नेशनल एजेंसी रिलेटेड टू इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नाउ यू नो ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि देश की जितनी भी नदियां हैं नज़दीक नज़दीक में उनको एक साथ जोड़ दिया जाए क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में आया होगा बिकॉज इन इंडिया सच अ वास्ट लैंडस्केप भी है तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आपको भरपूर पानी मिलेगा वही दूसरी साइड द सदरन स्टेट्स आर ड्राई स्टेट्स तो वहाँ पे क्या होता है बारिश कम है बारिश की कमी की वजह से किसानों को एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आ, इरिगेशन का पानी भी नहीं मिलता है लोगों के पीने का तो छोड़ दीजिए इरिगेशन का पानी भी वहाँ पे जैसे तैसे करके लोगों को मिल रहा है सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बैलेंस दिस बाई इंटरलिंकिंग द रिवर्स के जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है उस पानी को किसी तरह से इंटरलिंक करके उस नदी में पहुंचाया जाए जहाँ पे मौसम की वजह से या कम बारिश की वजह से या नदी के सूख जाने की वजह से ज़रूरत से कम पानी मिल रहा है और इसी के लिए नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर्स अथॉरिटी बनाने की बात हो रही है सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंटेम्पलेटिंग क्रिएशन ऑफ द नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर्स अथॉरिटी विच विल बी नोन एज एन आर आई ए एन आई आर ए नीरा नीरा इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी फॉर प्लानिंग इन्वेस्टिगेशन फिनंसिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन दंट्री तो देखिए हमारे आ, इंडिया जैसे कंट्री में इंटरलिंकिंग के बेनिफिट्स भी काफ़ी है और उसके रेपोकशंस भी वर्स्ट रेपोकशंस भी काफ़ी हो सकते हैं भाई बिकॉज यू आर

इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एन डब्ल्यू डी ए तो वो एन डब्ल्यू डी ए को क्या करेगी रिप्लेस कर देगी इट विल कोऑर्डिनेट विद नेबरिंग कंट्रीज एंड कंसर्न्ड स्टेट्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड विल ऑल्सो हैव पावर्स ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वाइल्डलाइफ एंड फॉरेस्ट क्लियरेंसेस अंडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स एंड देर लीगल एस्पेक्ट्स तो उसको एक ऑटोनोमस एजेंसी की तरह आ, कुछ जुडिशियल पावर्स भी उसको दे दिए जाएंगे ताकि वो एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस जैसे जो डे टू डे लाइफ के इशू है उसको टैकल कर सके उसको बार बार कोर्ट के पास या गवर्नमेंट के पास ना जाना पड़े अगर उसके पास वो पावर नहीं होते हैं तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा नीरा विल हैव द पावर टू रेज फंड्स एंड एक्ट एस अ रिपोजिटरी ऑफ बोरोड फंड्स और मनी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट और लोन गिवन ऑन इंटरेस्ट

जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब या हरियाणा या ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ पे भरपूर बारिश होती नदिया है नदियाँ है इट्स इरिगेशन के लिए और डे टू डे लाइफ के लिए पानी वहाँ पे इनफ से भी ज़्यादा है जबकि सदर्न स्टेट से जो महाराष्ट्र से नीचे जब आप स्टार्ट करोगे सो आपको जैसे ही गर्मी की सीज़न आती है देर विल बी अ स्केर ऑफ वाटर ओके सो ये जो इम्बेलेंस है बिटवीन द स्टेट्स उसको अगर आ, रिवर लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल तो इसको दूर किया जा सकता है Reducing regional imbalance. So, India depends on monsoon rain that are erratic as well as regionally imbalanced. Interlinking of rivers will reduce the amount of surplus rain and river water which flows into the sea. Irrigation for agriculture. So, interlinking can provide a solution to the rain fed irrigation problems of Indian agriculture through the transfer of surplus water to deficit regions.

कि हम हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं अराउंड द एयर नेविगेशन पॉसिबल हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्यों क्योंकि हम इतने बड़े एम्बिशस प्रोजेक्ट को अगर स्टार्ट कर दें इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे हम जंगल उगा सकते हैं क्यों क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर इरीगेशन प्रॉपर एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर वाटर सिस्टम हमारे पास है चैलेंजेस क्या है जो इसके साथ इस प्रोजेक्ट के साथ स्पेसिफिकली जुड़े हुए हैं सो एनवायरमेंटल कॉस्ट एक तो काफ़ी ज़्यादा होगा ठीक है ना यू आर यू आर लाइक ट्विस्टिंग और जैसे कि मैंने आपको पहले का प्लेइंग विद द नेचर जो नेचुरली जो अवेलेबल नहीं है यू आर ट्राइंग टू फॉर्म दैट यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाई दैट सो द प्रोजेक्ट थ्रेटन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल इकोलॉजी ऑफ रिवर्स द प्रपोज डैम्स कुड थ्रेटन द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज एंड इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मॉनसून सिस्टम क्लाइमेट चेंज से हम ऑलरेडी इतना बुरी तरह से जूझ रहे हैं उसमें ऐड कर देगा और ज्यादा इश्यूज़ इन इंटरलिंकिंग सिस्टम्स इट इज अज्यूम्ड दैट द डोनर बेसिन हैज़ सरप्लस वाटर दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट बेसिन द होल कॉन्सेप्ट गोज़ फॉर अ लॉस इफ द बेसिक अजम्पशन गोज हाई वायर फॉर एनी सिस्टम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ठीक है अब जो मान लीजिए कि आपने uh, से गंगा और कावेरी नदी को आपने ज्वाइन किया कावेरी इज अ डेफिशिएंट रिवर एंड गंगा इज अ सरप्लस रिवर ना आपके एज्पशन और ग्लोबल वार्मिंग के क्या आज से दस साल बाद या पचास साल बाद क्या प्रोजेक्शन uh, है यू डोंट नो इवन अवर साइंटिस्ट नो कि भाई क्या होगा आज से पचास साल बाद वी आर जस्ट मेकिंग एज्शन अगर केस आपका अजम्प्शन उल्टा हो गया और क्लाइमेट चेंज की वजह से लेट से कावेरी हमने ऊपर ही देखा कि पूरा जो हिमालय का जो फॉरेस्ट है और मानसून सिस्टम है वो बदल सकता है सो लेट सपोज आज से पचास साल बाद अगर कावेरी सरप्लस रिवर हो जाती है और गंगा डिफिशेंट रिवर हो जाती है सो द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी चेंज्ड विच इज़ अगेन अ मिलियन डॉलर ऑफ कॉस्ट और ये हम क्लाइमेट चेंज को प्रडिक्ट नहीं, नहीं कर पाएंगे uh, तो ये एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होगा इकोनॉमिक कॉस्ट तो है ही है इट इज एस्टिमेटेड दैट रिवर लिंकिंग विल बी अज फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक इम्पेक्ट क्या होगा इट इज एस्टिमेटेड दैट द नेटवर्क ऑफ कैनल्स एक्सटेंडिंग टू अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर वुड डिस्प्लेस अबाउट फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पीपल मोस्टली ट्राइबल्स एंड फार्मर्स तो देखिए हमेशा जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या एफ्लूट लेवल के जो लोग हैं उनको कभी भी कोई चीज़ से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है राइट right? डिस्प्लेस किसको होना पड़ेगा अगर ये सारी इंटरलिंकिंग सिस्टम बनाई जाएगी तो किसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा अपना जमीन छोड़ना पड़ेगा या अपना गांव छोड़ के जाना पड़ेगा ट्राइबल्स एंड फार्मर्स, विच आर दी मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो अल्टीमेटली सफर किसको करना पड़ेगा उनको ही सफर करना पड़ेगा यहाँ पे ओके सो दीज आर द रिवर्स जिनको इंटरलिंक करने की बात चल रही है कंपोनेंट में महानदी गोदावरी है इचनपल्ली नागार्जुन सागर आ, ये सारी सारी आप देखिए की ये सारी नदी आपको यहां पर दिख रही है हिमालयन कंपोनेंट में आपको क्या दिखेगा तो कोसी मेछी कोसी घाघरा गंडक गंगा घाघरा यमुना शारदा यमुना आ, नर्मदा को जोड़ने की बात चल रही है तापी को जोड़ने की बात चल रही है और देखिए ये सारी नदियों के पानी को लेकर काफी सारे स्टेट्स के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही है कि कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा ओके okay. सो so, ये जो एजेंसी होगी वो सम हाउ उस प्रॉब्लम को भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं इट्स अ लॉन्ग वे टू गो ऐसा नहीं कि आज हमने एजेंसी बनाई और ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा नो इट्स अ एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसको बनने में बीस साल पच्चीस साल तीस से ज्यादा सालों का समय लग सकता है वाई बिकॉज वी हैव अज एरिया ओके okay, और जब हम एरिया के बारे में बात करेंगे तो उतने किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स की कैनाल्स हमें बनानी पड़ेगी तो उसमें काफी टाइम हमें लगेगा द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज टेन्य डी डिरेक्टर्स एक्सटेंडेड सो वी ऑलरेडी नो दैट सी बी आई और ई डी के जो डिरेक्टर्स है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट के जो डायरेक्टर्स है और सी बी आई के जो डायरेक्टर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं so recently the president promul uh, promulgated two ordinances that would allow the central government to extend the tenures of the directors of the central bureau of investigation and the enforcement directorate from 2 years uh, to up to 5 years so dekhiye ये जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंसिस लाके अपने जो फैसले हैं उसको मनवाने की कोशिश कर रही है uh, पार्लियामेंट में उसको इजीली विदाउट एनी डिस्कशन क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी उसको पास करवा दिया जा रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर द डेमोक्रेसी बेसिकली द डेली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 हैव बीन अमेंडेड टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू कीप द टू चीफ्स इन देयर पोस्ट फॉर वन ईयर आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर टू ईयर Terms. The chief of the central agencies currently have a fixed two-year tenure, but can now be given three annual extensions. तो देखिए वो उनका जो टेन्योअर है वो दो साल से बढ़ाकर सीधा पाँच साल अब किया जा सकता है और उसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है थ्रू ordinances आने वाले विंटर सेशन में इसके लिए बिल भी पास करवा दिया जाएगा डेली एक्ट में क्या अमेन्डमेंट है सो प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच द डिरेक्टर होल्ड द ऑफिस ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट मे इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी द कमिटी लेड बाई प्राइम मिनिस्टर द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस मेंबर्स एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड अपन ईयर एट ठीक है तो देखिए वन ईयर एट ए टाइम का मतलब क्या हो गया दो साल का ऑलरेडी उनके पास पीरियड uh, रहता है एक एक साल वो तीन बार एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब पाँच साल तक एक ही बंदे को आप वहाँ पर बिठा सकते हो एज अ डायरेक्टर ऑफ ई एंड सी बी आई प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच एक्सटेंशन शेल बी ग्रांटेड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स इन टोटल इंक्लूडिंग द पीरियड मैंशनड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट अमेंडमेंट इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं सो प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होल्डिसल अपमेंट मे इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एंड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बी एक्सटेंडेड अपन ईयर एट अ टाइम प्रोवाइडेड फरदर दैट नो सच एक्सटेंशन शेल बी ग्रांटेड आफ्टर दिन ऑफ अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर इन टोटल इंक्लूडिंग द पीरियड मैंशन इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट सो बोथ जो लॉज uh, है वो सिमिलर काइंड ऑफ लॉज है और जो एक्सटेंशन दिया गया है वो भी सिमिलर एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है तो देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही कोई स्टेटरी uh, बॉडी है द सी बी आई वॉज सेटअप इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री बाई रिजोल्यूशन ऑफ़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक रिजोल्यूशन के थ्रू सीबीआई को एस्टेब्लिश किया था नाउ द सीबीआई कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंसिस एंड पेंशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सी बी आई वॉज रिकमेंडेड इन द संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन तो पहले सिर्फ प्रिवेंशन के लिए इसका रिकमेंडेशन दिया गया था बट आफ्टर दैट जो भी हाई प्रोफाइल केसेस है वो सीबीआई संभालती है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी द सीबीआई इज नॉट नॉट अ स्टैचूटरी बॉडी इट डिराइव इट इट्स पावर्स फ्रॉम डी एस पी एक्ट नाइनटीन फोर्टी स्पेशल पुलिस एक्ट द सी बी आई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स असिस्टेंस

सी तो ये उसका जोरिडिक्शन है कि इतने इतने एरियाज़ में सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है व्हाट इज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फिनंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनंस जो रेट पड़ती है लोगों के यहाँ वो ईडी के थ्रू पड़ती है राइट right? सो so, ये काला बाजारी या काला धन के ऊपर जो बेहिसाबी जो धन है विदाउट uh, बिल वाला जो पैसा है उसके ऊपर ये नज़र रखता है ब्लैक मनी के ऊपर नज़र रखता है सो सोन फर्स्ट मे नाइनटीन फिफ्टी सिक्स द एनफोर्समेंट यूनिट वॉज फॉर्म्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायोलेशन अंडर फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी सेवन This unit was renamed as Enforcement Directorate. ED enforces the following laws: Foreign Exchange Management Act 1999 and Prevention of Money Laundering Act 2000 टू और देखिए अगर कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग में अगर ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है तो एफ उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकता है दैट वी ऑलरेडी नो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट सॉरी ग्रे लिस्ट में पिछले महीने रिटेन uh, किया गया है मतलब कंटिन्यू रखा गया है पाकिस्तान को इन दी ग्रे लिस्ट सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ ईडी डायरेक्टर एंड सीबीआई डायरेक्टर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसी तो आजकल डिजिटल करेंसी के बाद देर इज़ अ ट्रेंड फॉर क्रिप्टो करेंसी ओके सो क्रिप्टो करेंसी क्या इट इज़ वन काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी ओनली विथ नो कैश ठीक है अब दिक्कत इसमें यह है कि ये इतनी नई चीज़ है एंड इतनी सडन इसका ग्रोथ हुआ है पिछले एक दो सालों में कि द गवर्मेंट द पीपल द फिनंस एक्सपर्ट्स कैन नाट अंडरस्टैंड दैट वाट काइंड ऑफ करेंसी दिज हाउ टू रेगुलेट इस ये कहाँ से आती है कहाँ जा रही है ये सारी चीज़ें डार्क में है वी डो नाट नो वी डो नाट नो और वी नो वेरी लिटल ऑन दिस अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज सो अब जब इंडिया में इसका ट्रेंड बढ़ चुका है अब टी वी पे बहुत सारे एप्लीकेशन पे सोशल मीडिया साइट्स पे एडवर्टाइजेज जब देख रहे हो सो so, गवर्नमेंट को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि ओके नाउ वी आर इन प्लेस देर वी नीड टू हैव एन लेजिस्शन इन प्लेस फॉर रेगुलेटिंग अ क्रिप्टो करेंसी तो आने वाले विंटर सेशन में गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रेगुलेशन लाया टली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेड अग रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी सेक्टर साइटिंग दी अनेगुलेटेड नेचर ऑफ द क्रिप्टो मार्केट ही कॉल्ड फॉर टेकिंग प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स अब देखिए एक अंदाज के हिसाब से मोर देन टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज आर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया ओनली सो गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट कितने सारा जो बड़ा पैसा है उसके ऊपर अगर कोई कड़क रेगुलेशन ला दिया गया तो वो पैसा डूब जाएगा लोगों का अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबके का बंदा है उसको नुकसान होगा सो so, गवर्नमेंट इसको बड़े पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना चाहती है एट द मोमेंट देर इज नो लेजिस्लेचर दैट कवर्स क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया इन इंडिया ओइंग क्रिप्टो करेंसीज इट्स स्टिल नॉट इलीगल इन ट्वेंटी ट्वेंटी द सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन अ बैन ऑन ट्रेडिंग द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया विच वॉज इम्पोज बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया था रिजर्व बैंक के पास अपने जस्टिफिकेशन थे सुप्रीम कोर्ट को वो जस्टिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री uh, नहीं लगे और उन्होंने बैन को हटा दिया चाइना हैज़ डिक्लेयर्ड ऑल क्रिप्टो करेंसी ऑल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इ इफेक्टिवली इम्पोजिंग अ कंप्लीट बैन वेयर इज एल साल्वाडोर हैज़ परमिटेड बिट एज अ लीगल टेंडर तो देखिए अल डोर जैसा कंट्री जो है उसने लीगल टेंडर के तौर पर बिटकॉइन को परमिशन दे दी है नाव वॉट इज़ क्रिप्टो करेंसी सो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द ब्लॉक चेन नाव वॉट इज ब्लॉक चेन सो ब्लॉक चेन इज़ अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ओके इन द ब्लॉक चेन यूजिंग एनक्रिप्शन टेक्नीक टू कंट्रोल द क्रिएशन ऑफ मॉनिटरी यूनिट्स एंड टू वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटकॉइन इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल बिटकॉ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इन जनरल हैज़ नो इंट्रेंसिक वैल्यू इन दैट इट इज़ नॉट रिडीमेबल फॉर अनदर कमोडिटी सच एज गोल्ड देखिए इसकी बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे कंट्री में इसका जो वैल्यू है वो एक समान रहेगा राइट इट विल बी सारे कंट्रीज का वैल्यू विल बी सेम हैज नो फिजिकल फॉर्म एंड एग्जिस्ट ओनली इन द नेटवर्क तो उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है इट्स सप्लाई इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय अ सेंट्रल बैंक एंड द नेटवर्क इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइजड ठीक है तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना ही आपके देश की जो रेगुलेटरी बैंक है सुप्रीम बैंक है सेंट्रल बैंक है उसका कोई कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है बेनिफिट्स क्या है एसोसिएटेड विद द क्रिप्टो करेंसी सो फास्ट एंड चीप ट्रांजेक्शन्स क्रिप्टो करेंसीज आर वे चीपर टू यूज टू एग्जीक्यूट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स

रैपिड टर्न अराउंड क्यों हो रहे हैं नो बडी नोस बट दे आर हैपनिंग ड्यू टू दिस क्रिप्टो करेंसीज कैन बिकम अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंटी इन्फ्लेशनरी करेंसी सो ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी इट्स प्राइजिज हैव लार्जली रिमेन्ड ऑन अ ग्रोइंग प्रेजेक्ट्री इन दिस सिनारी पीपल टेंड टू होल्ड मोर क्रिप्टो करेंसी देन स्पेंडिंग इट तो कोई स्पेंड नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि क्यों? उसको पता है कि दस साल बाद मेरी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो बढ़ना है ओके okay. दिस इज वॉट द मार्केट सेस तो दैट्स वाई पीपल आर नॉट स्पेंडिंग इट दिस विल कॉज अ डिफ्लेशनरी इफेक्ट ऑन करेंसी तो हर कोई जब बचा के रखेगा तो इन्फ्लेशन आने का कोई चांस नहीं रहेगा कंसर्नस क्या है क्रिप्टो करेंसीज से लेकर तो पहला तो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन वो कहाँ से आ रहा है पैसा और कहाँ जा रहा है वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट सो बॉम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट द क्रिप्टो मार्केट इज सीन एज अ वे टू अर्न क्विक प्रॉफिट्स ड्यू टू दिस देर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू लियर पीपल इन टू स्पेक्यूलेटिंग इन द मार्केट हाउ एवर देर आर कंसर्स दट दीज आर अटैम्प टू मिसलीड द यूथ दो ओवर प्रोमिसिंग एंड नॉन ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटीज अंडर रेग्युलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स कैन बिकम एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग क्योंकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई रेगुलेशन uh, नहीं है बिंदास आप वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनांसिंग कर सकते हो देर इज़ नो ट्रैक रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसीज आर एक्सट्रीमली वॉलीटाइल बिटकॉन स्काई रॉकेटेड फ्रॉम यू एस डी फोर्टी थाउजेंड टू रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ यू एस डी सिक्सटी फाइव थाउजेंड बिटवीन जनवरी टू अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन देन इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट प्लन्चड एंड थ्रू डॉलर तो देखिए कितना वॉलेटाइल मार्केट है सो सेफ ट्रेडर इसके लिए ये नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फिनंशियल स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्रोर्स ऑफ इंडियंस हैव इन्वेस्टेड ओवर रुपीज सिक्स थाउजेंड इन अ क्रिप्टो एसेट्स जो कि रिकॉर्ड है हमारे पास ग्रे मार्केट में देर आर एन क्रोर्स आर इन्वेस्टेड ऑलरेडी द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स इन दिस अनरे रेगुलेटेड असेट क्लास पोज इज़ अ रिस्क ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड फिनंशियल स्टेबिलिटी तो हमारी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इसको थोड़ा रेगुलेट करना चाहती है ताकि उसको नज़र रखी जा सके कि काफ़ी अगर वॉलीटाइल मार्केट है तो हमारे देश के लोगों को सफर ना करना पड़े स्टॉक मार्केट इश्यूज़ है सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज सेबी हैज़ फ्लैक्ड द इश्यू दैट इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड इट कैन नॉट ऑफर काउंटर पार्टी गारंटी एज इट बीग डन फॉर स्टॉक्स फर्दर वेदर क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी कमोडिटी और सिक्योरिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड वे फॉरवर्ड क्या होगा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क india is yet to table the cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 which will lay down the regulatory framework for the launch of an official digital currency thus there is a need to expedite passing of the bill and design a regulatory framework to deal with cryptocurrencies global cooperation chahiye. so the framework on cryptocurrencies will, reduce glo will require global पार्टनरशिप एंड कलेक्टिव स्ट्रेटेजी तो आने वाला जो हमारा बिल है वो ये सारी चीज़ों को अड्रेस करेगा एंड लेट एस सी हाउ द डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट एंड हाउ द पार्लियामेंट पासिस द क्रिप्टो करेंसी बिल इन अपकमिंग सेशन सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नोटेड डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स In case of any doubt, please let us know and we will try to resolve your doubt as soon as possible. Till that time, stay home, stay safe, stay happy. Thank you.